नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम कंपनी ऑडिटर के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी ऑडिटर क्या है या कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति किस प्रकार होती है, ये BCOM थर्ड का ऑडिटिंग का पेपर है। इसमें देखिए, हम नियमबद्ध रूप से इसको अध्ययन करेंगे। भारतीय कंपनी विधान के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को अपने हिसाब किताब का योग्य ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग करवाना अनिवार्य होता है। ऐसा ऑडिटिंग वैधानिक ऑडिटिंग कहलाता है, जो योग्य व्यक्ति द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्ति दी जाती है। उसे वैधानिक अंकेक्षण भी कहते हैं, अर्थात वैधानिक ऑडिटर भी कहते हैं। कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। नंबर एक, नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। इनको आगे हम नियमबद्ध रूप से पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद नियुक्ति के लिए अयोग्य व्यक्ति कौन है, अंकेक्षण की नियुक्तिकर्ता नियुक्ति कौन करेगा। नंबर एक, संचालक जब अंकेक्षण की नियुक्ति करते हैं, ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं, तो उसमें दो दशाएँ होती हैं कि प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति, आकस्मिक रिक्त होने पर नियुक्ति, उसके बाद अंशधारियों के द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति, प्राथमिक अंकेक्षणों की नियुक्ति, वार्षिक साधारण सभा में नियमित नियुक्ति, वार्षिक साधारण सभा में अनिवार्य पुनर्नियुक्ति, अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षण के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति की विधि द्वारा नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा अंकेक्षण की नियुक्ति। नंबर एक, इसमें सरकारी कंपनियों के लिए और विशेष अंकेक्षण की नियुक्ति, इसको हम नियमित रूप से आगे पढ़ेंगे। अभी नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, नियुक्ति के लिए कौन कौन सी आवश्यक योग्यताएं होती हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226(1) और 226(2) के अनुसार एक योग्य अंकेक्षण को कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण नियुक्त किया जाना सकता है। योग्य अंकेक्षक उसे यह बताता है, योग्य ऑडिटर यह बताता है, जिसमें निम्नलिखित दो योग्यताओं में से कम एक योग्यता होनी आवश्यक है। नंबर एक, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। नंबर दो, वह सर्टिफाइड ऑडिटर हो। नंबर एक, चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी भी व्यक्ति को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति दी जा सकती है। एक फर्म के नाम से कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते फर्म भारत में प्रैक्टिस करने वाले सब साझेदार इस नियुक्ति योग्य हों। चार्टर्ड अकाउंटेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का सदस्य हो। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो निर्धारित परीक्षण पूरा कर लिया हो, निर्धारित परीक्षाएँ पास कर ली गई हों। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और सप्लीसिस्टर भी हो सकता है। यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सार्वजनिक प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे इंस्टीट्यूट के लिए प्रमाण पत्र लेना होगा, तब वह सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहला सकता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कहलाता है। ऐसा व्यक्ति ही कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण बन सकता है। ये हमारे पास पहली थी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, लेकिन निम्न योग्यताएं उसने पूरी कर ली हो। उसके बाद सर्टिफाइड ऑडिटर वह होता है जो बी श्रेणी के किसी राज्य द्वारा 1951 से पहले प्रमाण पत्र पाए हुए अर्थात प्राप्त किए हुए हों। अंकेक्षण को भारत में कहीं भी रजिस्टर्ड कंपनी में वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसा अंकेक्षण सर्टिफाइड ऑडिटर कहलाता है। सर्टिफाइड ऑडिटर के प्रमाण पत्रों को नवीनीकरण रद्द करने या स्थगित करने के नियम का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इसके बाद देखिए, नियुक्ति के लिए कौन अयोग्य हैं। नंबर एक, इसमें देखिए, भारतीय कंपनी विधान की धारा 226(3) और 226(4), छात्र यहाँ पर ध्यान दें, 226(1) और 226(2) में वह व्यक्ति शामिल होते हैं जिनको नियुक्ति के लिए योग्य माना गया है, और नियुक्ति के लिए जो अयोग्य हैं वो 226(3) और 226(4) में।
अयोग्य व्यक्ति को माना गया है। नंबर एक, इसमें एक सम्मिलित कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी, एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी का अंकेक्षण नियुक्त नहीं किया जा सकता, एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, चाहे कंपनी के सभी सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, चाहे कंपनी के सभी सदस्य सर्टिफाइड ऑडिटर हों लेकिन उनको दूसरी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता, चाहे कंपनी भारत में रजिस्टर्ड हो या कंपनी भारत से बाहर रजिस्टर्ड हो। नंबर दो, कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का अधिकारी, पहले से कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी है, ऐसे किसी व्यक्ति को वैधानिक अंकेक्षण के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। नंबर थर्ड, कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी या साझेदार या कर्मचारी, निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति कंपनी का वैधानिक ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नंबर एक, कंपनी के अधिकारी का साझेदार, कंपनी के किसी अधिकारी का कर्मचारी, कंपनी के किसी कर्मचारी का साझेदार, कंपनी के किसी कर्मचारी का कर्मचारी, इनमें से किसी भी व्यक्ति को वैधानिक ऑडिटर के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, 1,000 रुपये से अधिक ऋणी या जमानती, अगर किसी व्यक्ति ने, यहाँ पर 1,000 रुपये से 1,000 रुपये या इससे अधिक की ऋण का लोन ले रखा है या किसी की जमानत दे रखी है, तो ऐसे व्यक्ति को कंपनी का वैधानिक ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति 1,000 रुपये से अधिक के लिए कंपनी का ऋणी है या उससे कंपनी के किसी अन्य व्यक्ति की ऋणी के रूप में जमानत दे रखी है, तो ऐसे व्यक्ति को वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति नहीं दी जा सकती। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 के प्रारंभ होने की तारीख 1 वर्ष बाद उसी कंपनी की कोई प्रतिभूति हो, प्रतिभूति से तात्पर्य जिसमें साथ वोट देने का अधिकार भी जुड़ा हुआ हो, प्रतिभूति से तात्पर्य जिसमें वोट देने का अधिकार भी जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल समझिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का सहायक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी या सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी में अंकेक्षण की नियुक्ति के अयोग्य है, तो उसे कंपनी में अंकेक्षण की नियुक्ति दी जाने योग्य नहीं माना जाता, अर्थात अयोग्य माना जाता है। उदाहरण के देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ए एक कंपनी है, ब उसकी सूत्रधारी कंपनी है अर्थात होल्डिंग कंपनी है, स ए कंपनी की सहायक कंपनी है, द कंपनी स कंपनी की सहायक कंपनी है। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त चारों कारणों में से किसी भी एक कारण से ब स या द कंपनी का अंकेक्षण नियुक्त किए जाने के अयोग्य है, वह ए कंपनी के लिए भी अयोग्य होगा। यहाँ पर देखिए, कंपनी का संचालक कंपनी का अधिकारी होता है, एक अधिकारी के रिश्तेदार को कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात संचालक अपने किसी रिश्तेदार को अंकेक्षण के रूप में नियुक्ति नहीं दिला सकते, लेकिन यदि संचालक के रिश्तेदार की वार्षिक पारिश्रमिक कंपनी के अधिनियम 314 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक दिया जाने को है, तो उसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा विशेष प्रावधान पास करके की जा सकती है। अर्थात अगर कोई रिलेटिव व्यक्ति है किसी संचालक मंडल का के सदस्य का, तो उसको किसी विशेष नियम पास करके विशेष उसको नियुक्ति दी जा सकती है। कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति करता है, कंपनी अंकेक्षण को कौन कौन नियुक्त कर सकता है, यहाँ पर देखिए, कंपनी अंकेक्षण को संचालक नियुक्त कर सकते हैं, अंशधारी नियुक्त कर सकते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त की दी जा सकती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के संचालक, उसके बाद कंपनी के अंशधारी और उसके बाद केंद्र सरकार। यहाँ पर देखिए, कंपनी के संचालकों के द्वारा नियुक्ति, कंपनी के संचालकों द्वारा नियुक्ति, फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति, कंपनी के प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति कंपनी के संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीयन की तारीख से, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 माह के भीतर की जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए भाई, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन डेट से 1 मंथ के अंदर प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति कर देनी चाहिए, संचालक मंडल के द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार नियुक्त किए गए ऑडिटर को हम
प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक अपने पद पर बना रह सकता है। उसके बाद देखिए आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति करने हेतु अगर किसी ऑडिटर का पद किसी आकस्मिक कारण से कैजुअलिटी के कारण से रिक्त हो जाता है तो उसकी रिक्त पद की नियुक्ति पूर्व संचालक मंडल द्वारा की जा सकती है। संचालक मंडल अंकेशन में संयुक्त अंकेशकों में से या कुछ स्थान रिक्त हो जाने पर अपने कार्य को जारी रख सकते हैं और उसकी नियुक्ति दी जा सकती है। यहाँ पर देखिए आगे अंशधारियों के द्वारा नियुक्ति प्रथम अंकेशन की नियुक्ति यदि कंपनी के संचालक कंपनी की प्रथम अंकेशन की नियुक्ति अपने अधिकारों के निर्धारित समय कितना है एक मंथ में अगर उसकी नियुक्ति नहीं देते हैं तो ये अधिकार उनको स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तब कंपनी के प्रथम अंकेशन की नियुक्ति कंपनी के साधारण सभा में कंपनी के अंशधारियों द्वारा की जा सकती है और ऐसा अंकेशन प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक अपने पद पर बना रह सकता है। वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति प्रत्येक कंपनी अपने वार्षिक साधारण सभा में अंकेशन की नियुक्ति अंशधारियों के द्वारा की जा सकती है। कंपनी का कर्तव्य है कि वह अपने अंकेशन की नियुक्ति 7 दिन के अंदर नियुक्त किए गए अंकेशन की नियुक्ति की सूचना देनी होती है। अगर जिस व्यक्ति को कंपनी ऑडिटर के रूप में नियुक्ति देती है 7 दिन के बाद 7 दिन के अंदर कंपनी का दायित्व है कि वह उस ऑडिटर को इसकी सूचना दे देनी चाहिए। प्रत्येक अंकेशन कंपनी के नियुक्त सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को लिखित में सूचना देकर अपनी नियुक्ति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट वार्षिक साधारण सभा में अनिवार्य पुनर्नियुक्ति प्राय एक कंपनी द्वारा किसी भी वार्षिक साधारण सभा में अवकाश ग्रहण करने वाले रिटायर्ड क्रम अंकेशन को पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है। इस नियम के 4 अपवाद हैं। नंबर 1 अवकाश ग्रहण करने वाला अंकेशन पुनर्नियुक्ति के अयोग्य नहीं होना चाहिए। नंबर 2 अवकाश ग्रहण करने वाला व्यक्ति कंपनी को लिखित में पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट कर दे। नेक्स्ट साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास कर दिया जाए कि अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशन को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट जब अवकाश ग्रहण करने वाला अंकेशन के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति देने का नोटिस दे दिया गया हो इन 4 कारणों से इसको यानी रिटायर्ड पर्सन को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन यानी अवकाश ग्रहण करने वाला ऑडिटर से ही माना जाता है। यहाँ पर छात्र ध्यान दें इन नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आगे जितने भी जो कंपटीशन क्लासें होती हैं उन कंपटीशन क्लासों के लिए भी ये नियम आवश्यक हो जाते हैं। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में और वीडियो पढ़ेंगे और ताकि और चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अगर किसी छात्र को समझने में परेशानी है नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे फ़ोन पे संपर्क करके मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पर हमारे पास में हमने 2 चीज़ पढ़ चुके हैं संचालकों के द्वारा नियुक्ति अंशधारियों के द्वारा नियुक्ति और 3rd हमारे पास में है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति। केंद्र सरकार किन परिस्थितियों में नियुक्ति देता है। नंबर 1 गैर सरकारी कंपनी की दशा में यदि किसी वार्षिक साधारण सभा में किसी अंकेशन की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती तो केंद्र सरकार द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अंकेशन नियुक्त कर सकता है। यदि वार्षिक साधारण सभा में किसी अंकेशन की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति न करने के कारण रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है तो कंपनी को 7 दिन के भीतर सूचना केंद्र सरकार को देनी होगी और यदि यह सूचना नहीं दी जाती तो प्रत्येक कंपनी के दोषी अधिकारी को 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये सेक्शन 224(3) और (4) में है। सरकारी कंपनियों में अंकेशन की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण द्वारा की जाती है। नेक्स्ट केंद्र सरकार द्वारा विशेष अंकेशन की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष अंकेशन की नियुक्ति करता है। यह सेक्शन 233(a) में शामिल है। यदि कंपनी का कार्य समस्त व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तो केंद्र सरकार विशेष नियुक्ति कर सकता है। यदि कंपनी का प्रबंध इस प्रकार से चलाया जा रहा है
यदि उसमें उद्योग या व्यापार को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है तो केंद्र सरकार द्वारा उसे विशेष नियुक्ति दे सकता है। यदि कंपनी की आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसे ऋण चुकाने की क्षमता को खतरा हो सकता है तो केंद्र सरकार द्वारा विशेष अंकेक्षण की नियुक्ति की जा सकती है, विशेष ऑडिटर की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट आगे हम इसमें पारिश्रमिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके और जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखिए और समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से संपर्क कीजिए। थैंक यू।